brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बाहरी प्रत्याशी के रूप में अरुण गोविल को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी जो है बीजेपी के तरफ इसलिए रही है क्योंकि वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। हालांकि अरुण गोविल ने कई बार ये कहा है कि मैं मेरठ में जन्म हुआ है मेरा और मैं मेरठ का ही हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मेरी पत्नी अलीगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को इस बार हो सकता है रिजल्ट क्या आए वो तो खैर भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बेहतर स्थिति यहाँ इस धरातल पर नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रही है। कांग्रेस को मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहा है और उधर और जो कास्ट हैं, जो ठाकुर नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, त्यागी नाराज हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ठाकुरों ने वोट दिया सपा गठबंधन को या आपको लगता है? कुछ हद तक तो दिया होगा, थोड़ा बहुत तो दिया होगा, इतने नहीं दिया होगा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुमान चौधरी। मेरठ का मतदान ख़त्म हो गया है, किसकी कश्ती डूबने वाली है, किसकी नैया पार होने वाली है, क्या पूरे दिन वोट का आंकड़ा रहा, किसकी तरफ वोट जाता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ यहाँ तमाम मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पूरे दिन फील्ड में रहे, उन्होंने वहाँ क्या देखा, किसकी तरफ झुकाव रहा, किसकी तरफ ज़्यादा मतदान हुआ, किसके दावे फेल हुए, किसके दावे पास हुए, हम पूछेंगे उन्हीं से क्योंकि सभी फील्ड में रहे हैं। सर, क्या लगता है, पूरे दिन आप फील्ड में रहे, क्या देखा, क्या कुछ आशा और अपेक्षा के अनुरूप कुछ जगह चौंकाने वाली बातें? जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ के पेशानी पे चिंता की लकीरें थी, उन्होंने बहुत कोशिशें की और एक एक कार्यकर्ता को जुटाया कि मतदाता निकलें इस गर्मी में और जुटकर मतदान करें, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर आज ऐसा लगा कि जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा। और शायद इसका कारण एक ये भी है कि इस बार चुनाव में कोई लहर नहीं है और इसकी तुलना 2019 के चुनाव से नहीं की जा सकती। तब पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक की छाया में मतदान हो रहा था, एक लहर थी। इस बार इसे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई लहर नहीं थी, उससे मतदाता थोड़ा उदासीन हुआ। और उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितने जोश खरोश से जाकर उन्हें समझाया और मतदाता को निकालने की कोशिश की, उसमें भी मुझे संदेह है। तो जो दृश्य नज़र आया और जो सुनाई दिया, आप कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, फिर एक दूसरे से बात करते हैं, तो ज़्यादातर जगह पर ये पता चला कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर तो मतदाताओं का उत्साह बहुत था। और ख़ास बात ये रही कि जैसे ईद की नमाज़ पे उनसे एक अपील की गई थी कि आप जहाँ भी वोट करें एकजुट होकर वोट करें, तो ऐसा नज़ारा मेरठ में देखने को मिला। दूसरी ओर जहाँ पे हम देखते हैं बहुसंख्यक यानी कि हिंदू आबादी है, हालांकि वो इतना डेंस पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे साकेत को ले या कैंट के और जगह भी ले, कैंट इनका गढ़ माना जाता है, पर वहाँ भी मतदाताओं में बहुत उत्साह नहीं दिखा। छिटपुट छिटपुट करके वो आ रहे थे, सुबह परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ी, फिर दोपहर में रुक गई और उम्मीद ये की जा रही है शाम तक जब अंतिम काउंटिंग की आंकड़े मिलेंगे तो शायद कुछ बढ़े हुए हों, लेकिन मुझे आशंका ये है कि वो 2019 को तो नहीं छू पाएंगे। हाँ, पहले चरण से ज़रूर ज़्यादा मतदान होगा पर छू नहीं पाएंगे। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं यहाँ से लेकर हापुड़ तक जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और जो बातें सुनाई दे रही हैं उससे लगता है कि उनके पक्ष में काफ़ी एकजुट होकर लोगों ने मतदान किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है। हरी जी, आपने क्या देखा आज फील्ड में रहे, किधर आपको वोटर देखने को मिला, क्या लगता है? देखिए उस्मान जी, जैसे फील्ड में रहे हैं पूरे दिन, तो मेरा मानना ये रहा जो मैंने लोगों से बातचीत की या उनका रुझान देखा, स्थानीय मुद्दे हावी रहे चुनाव में। और बीजेपी ने हालांकि राम मंदिर को भुनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई लहर राम मंदिर को लेकर के भी लोगों के माइंड में नहीं थी कि मंदिर के नाम पर वोट दिया जाएगा या मोदी के नाम पर वोट दिया जाएगा। इस बार बेसिक हर आदमी की अलग अलग सोच थी, कहीं स्थानीय मुद्दे थे, कहीं स्थानीय प्रत्याशी की चर्चा थी और कहीं बाहरी प्रत्याशी की भी चर्चा रही, क्योंकि मेरठ इस बार बाहरी प्रत्याशी के रूप में अरुण गोविल को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी जो है बीजेपी के तरफ इसलिए रही है
क्योंकि वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। हालांकि अरुण गोविल ने कई बार ये कहा है कि मैं मेरठ में जन्म हुआ है मेरा और मैं मेरठ का ही हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ, मेरी पत्नी अलीगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को इस बार हो सकता है रिजल्ट क्या आए वो तो खैर भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बेहतर स्थिति यहाँ इस धरातल पर नहीं है। और आंटी की टक्कर, हाँ अगर टक्कर की बात की जाए तो सुनीता वर्मा यहाँ गठबंधन की प्रत्याशी हैं और अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इन दोनों में मजबूत टक्कर है। कौन किस पर भारी पड़ता है 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें रही हैं, गुटबाजी रही है, कुछ हिंदू संगठनों का भी आपस में विरोध रहा है, उन सब चीज़ों का जो मिश्रण है एक, वो कहीं ना कहीं प्रभाव करेगा सत्ताधारी पार्टी। बसपा का इस बार जो माहौल बनना चाहिए वो माहौल नहीं बना पाई बसपा, क्योंकि बसपा के लिए तमाम पिछले काफ़ी समय से, सालों से, समय नहीं मैं कहूँगा, सालों से एक सत्ताधारी पार्टी की बी पार्टी कहा गया उसे, तो इस बार लोगों ने उसको ना चुन करके गठबंधन की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने देखा है मुस्लिम महिलाओं को बुरखे में खड़ी हैं, धूप में खड़ी हैं, तो मेरा मानना है कि वो जैसे ही उनसे बातचीत हो रही है तो उधर गठबंधन की तरफ रुझान था, लेकिन कुछ उम्मीद ये भी की जा सकती है कि कुछ जो बुरखा नशी महिलाएं हैं वो हो सकता है मोदी के नाम पर भी वोट डालें। देवता जी आपका क्या मानना है, क्या देखा आज आपने पूरे दिन? उस्मान जी आज जो देखा ऐसी परिकल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। अच्छा। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करते हैं तो देखते हैं कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था बहुत ही छोटे से अंतर से रह गया था, और उसके बाद अगर अब वर्तमान की बात करते हैं हम, तो जिस तरह से जो नज़ारा देखने को मिला, ख़ासतौर से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ जब हम लोग गए तो देखा कि जो कोशिशें हो रही थी कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ से, कि याकूब कुरैशी जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रचार किया था, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया खुद आई थी, उन्होंने भी माहौल बनाने की कोशिश की थी, उन्होंने रैली भी की थी, और उसके बाद भी वहाँ साइकिल चलती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं संकेत ठीक नहीं है, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरा जो अगर हम देखते हैं जो कैंट का एरिया है, जो बाकी जो इलाके हैं जहाँ ख़ासतौर से मुस्लिम आबादी कम है, वहाँ लोगों में उस तरह से इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सारे बूथ खाली पड़े हैं, लोग जा ही नहीं रहे वोट डालने, और जबकि पिछली बार अगर देखें तो ये जो 8 लोकसभा सीटों पर जिन पर आज वोट हो रहा है इनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले थी इस बार, लेकिन लग रहा है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है। और यहाँ स्थिति अभी जिस तरह से सारी चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ से लेके हापुड़ तक, जैसे कि पुष्पेंद्र शर्मा सर ने भी बताया, तो चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, और बीजेपी की मुसीबत यहाँ बढ़ती हुई अभी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने यूनाइट होके मतलब देख रहे हैं कि हमने बात भी करी लोगों से, वो भी कह रहे हैं कि हमने वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, हमने वोट कांग्रेस को दिया है, ऐसा भी बोल रहे हैं, जबकि ये इंडी ब्लॉक की तरफ से यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं इस बार चीज़ें बदलती दिखाई दे रही हैं। अब ये कितना होगा, कितना नुकसान होता है, कितना इन्हें ये इसे सहेज पाते हैं, ये तो अभी बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो 4 जून काफ़ी दूर है मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए और क्या मैं बताऊँ आपको। सर आपने क्या देखा? सुबह जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जो उत्साह नज़र आया, जो जोश नज़र आया, वो दोपहर होते होते बिल्कुल ठंडा हो गया। दोपहर को कहीं भी आप घूमिएगा कहीं पे भी आपको भीड़ नहीं है, किसी भी मतदान केंद्र पर खाली पड़े हैं बिल्कुल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, जबकि उधर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अच्छी तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। ये डाले गए, अब तो मतदान खत्म, हाँ डाले गए हैं, ये बीजेपी के लिए एक मुसीबत का सबब साबित हो सकता है। पिछले चुनाव में लगभग बहुत मामूली अंतर था जो है बीजेपी, लेकिन पिछली बार तो सपा और बसपा का गठबंधन था ना, हाँ, इस बार नहीं है वो। इस बार नहीं, लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रही है। कांग्रेस को मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहा और उधर और जो कास्ट हैं, जो ठाकुर नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, त्यागी नाराज हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ठाकुरों ने वोट दिया सपा गठबंधन को, या आपको लगता कुछ हद तक तो दिया होगा, थोड़ा बहुत तो दिया होगा, ऐसे नहीं दिया होगा। और ये जो पहले फेस के बाद में जो माथे पे
शिखर नज़र आया था बीजेपी के, वो दूसरे चरण में भी होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे कोई बहुत बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। राशि जी, आपने क्या देखा, आप भी पूरे दिन फील्ड में रहे, क्या देखा आपने? देखिए, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि ठाकुर नाराज़ हैं, त्यागी नाराज़ हैं, और बताया जा रहा था कि उन्हें मनाने में बीजेपी के लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि ठाकुर जब नाराज़ होते हैं तो वो किसी से भी नहीं मानते हैं, ये असर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि बीजेपी ने इस बार जो चुनाव में गलतियाँ की हैं, शुरू से लेकर अब तक गलतियाँ की हैं, पहले तो टिकट वितरण को लेकर सीधे सीधे सामने सब गुटबाजी नज़र आ गई, हालांकि सभी लोग कह रहे हैं 400 पार, लेकिन मेरठ के लिए नहीं कह रहे कि 400 पार। दूसरी चीज़ कि एक कलाकार में, एक राजनीतिज्ञ में बड़ा फ़र्क होता है, तो वो कला यहाँ पर उनकी काम नहीं कर पाई है। रामायण में उन्होंने किरदार अच्छा निभाया था, लेकिन वो धरातल पे नहीं निभा पाए, क्योंकि उनकी दूरियाँ रहीं जनता से, जिस तरीके से जनता के पास जाना था वो नहीं गए। एक गलती उन्होंने वाल्मीकि समाज के यहाँ जाके की, वो भी ट्रेंड हो गया कि जी उन्होंने खाना नहीं खाया, हाथ जोड़ के नमस्कार कर दिया। कहीं ना कहीं पहली बार ये देखने को मिलेगा कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, उसके प्रत्याशी को वाल्मीकि वोट मिलेगा, त्यागी वोट मिलेगा, दलित वोट मिल रहा है, और मुस्लिम तो उनकी मजबूरी है कि एक ही तरफा देना है। एक फैक्ट इन्होंने और चला था बीजेपी के लोगों ने कि एक बंदा जो यहाँ बड़ा प्रतिष्ठित था, उस पर पहले रासुका की गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी, अचानक से उन्हें इतनी छूट दे दी कि आप मंच पे आके बोलिए। तो आज की डेट में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है जो इन चीज़ों को ना समझ पाए। तो बसपा का वोट जो आना था वो वहीं आया जहाँ उसको आना था, वो दो ही जगह बटा, बीजेपी में भी गया और इंडिया गठबंधन में, क्योंकि दलित प्रत्याशी हैं, ये एक बड़ा चेहरा सामने आई है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का जो प्रयोग, इसे कहा जाए पहले वो PDA और फिर उसके बाद में दलित प्रत्याशी महिला लाना, कारगर साबित हुआ? पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अखिलेश टिकट बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, तो क्या अखिलेश के लिए ये संकेत अच्छा है जो उसने किया? देर आए दुरुस्त आए, पहले उन्होंने चयन किया था भानु प्रताप जी का यहाँ के लिए, जो एडवोकेट हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, कोट जाटा वोटर थे और EVM की वजह से देश भर में चर्चा में थे, लेकिन उन्हें बाहरी बना बताते हुए जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अतुल प्रधान का नाम सामने आया, जो छात्र राजनीति से आए, विधायक हैं, संगीत सोम को हराया, बड़े जुझारू हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे वाद विवाद भी जुड़े थे। देर सवेर योगेश वर्मा की दावेदारी, यानी उनकी पत्नी के लिए दावेदारी कामयाब हो गई, और चाहे वो देर भले ही लगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छे प्रत्याशी को उन्होंने उतारा, और ये कम ही होता है कि सामान्य सीट पर आप किसी दलित को टिकट दें, तो ये प्रयोग उनका निश्चित तौर पे, जीत हार तो अलग चीज़ है, वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक बेहतर कैंडिडेट उतारा। और देखिए, अभी जो अभी गणना हो रही थी और सब लोगों की बात हो रही थी, तो अगर हम इसे अंकगणित के हिसाब से देखें, केमिस्ट्री अभी बाद में करेंगे, अंकगणित देखें तो आप देखिए कि पहले बसपा साथ थी, बिल्कुल सही है, इसी वजह से शायद इतना कम अंतर रहा था, लेकिन अगर बसपा अलग गई तो किसके वोट लेकर गई, यानी कि त्यागी बिरादरी से हैं, देवव्रत त्यागी, तो मुझे लगता है कि त्यागियों का एक बड़ा चंक उनके साथ जाएगा। और मायावती यहाँ आई जरूर, उन्होंने बहुत कोशिश की दलितों के रिझाने की कि दलित वोटर वहाँ आ जाए, लेकिन जैसी सूचनाएँ मिल रही और जो देखने को मिला, तो ज़्यादा चंक जो है दलित वोटों का, यानी खास जाटा वोटरों का, वो योगेश के साथ गया। उसका कारण यही था कि योगेश से उनके निजी संबंध बन गए हैं। योगेश ने, आपको याद होगा 2019 के जब आरक्षण आंदोलन हुआ था, तो उसमें उसकी भूमिका को जो खासतौर पर जो युवा जाटा वोटर है वो नहीं भूलता, और आज भी अगर आपने बात करी होगी तो बार बार बेरोजगारी किसकी बात करता है, तो उस हिसाब से भी योगेश की चॉइस समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी हो गई। तो उधर तो त्यागी माइनस हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर बसपा साथ थी गठबंधन के तो कांग्रेस नहीं थी, अब कांग्रेस सपा के साथ है, तो कांग्रेस का वोट जितना भी हो, चाहे वो कम है, लेकिन वो बड़ा प्रतिबद्ध वोटर है और वो जाकर वोट जरूर डालता है, तो वो वोट डला होगा। तो मुझे लगता है वो क्षतिपूर्ति होके जो सोशल इंजीनियरिंग कभी मायावती किया करती थी, अचानक से वो सोशल इंजीनियरिंग सपा और कांग्रेस के गठबंधन के लिए काम कर गई। दूसरी ओर गोविंद साहब की जो कमियाँ रही, अरुण गोविंद साहब की, जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी होने के नाते ना दिल लोगों से घुल मिल नहीं पाए, एक दूरी सी बन गई, और शायद जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय दावेदार थे उनके मन में कहीं तो काटा होगा कि बाहर का आदमी अगर एक बार आके जम गया तो हमेशा के लिए फसल यही काटेगा, तो लिहाजा थोड़ी दूरी बनाई, कुछ डिफरेंसेस हुए। पहले ऐसा भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने
उतने जोश से उनके लिए काम नहीं किया। वो तो जब पहले चरण से कम मतदान की घंटी बजी तो ये लोग जागे और पिछले 6-7 दिन में बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया, पर आज के मतदाताओं के रुख को देख के लगता नहीं कि वो 2019 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। और ख़ास तौर पर इन्हें लीड चाहिए मेरठ कैंट विधानसभा से और दक्षिण से। देखिए हापुड़ इनकी सीट नहीं, हापुड़ में मतलब मजबूती नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। शहर की सीट आप ऑलरेडी हारे हुए हैं, किटौर भी आपके पास नहीं है, तो आपके पास बचता क्या था? आपके पास यही एक चारा था कि आप कैंट में इतनी वोटिंग करवा दें, इतनी वोटिंग करवा दें कि वो लीड पहले जैसे होता रहा वो हो जाए। लेकिन अगर कैंट का मतदान कम रहता है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को मैं काफ़ी संकट में देखता हूँ। कांटे की टक्कर लग रही है? हाँ बिल्कुल, कांटे की टक्कर है गठबंधन के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में। और मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से लोग अभी नहीं निकले थे, बीच में मैंने देखा कि दोपहर में लोग अपने अपने घरों में थे क्योंकि वीकेंड का समय है और फ्राइडे है आज और फिर सैटरडे और संडे, इस कारण भी कुछ लोगों की नाराज़गियाँ थी तो वो लोग अपना वीकेंड होते होते तो हमने देखा कि वोट निकला था। हाँ शाम तक इसलिए बढ़ा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा सूरज जैसे ही तापमान अपना कम करेगा तो लोग निकले और उसके बाद वोट परसेंट बढ़ेगा ज़रूर। और उसके अलावा सबसे जो मुद्दे इस बार रहे क्योंकि अरुण गोविल का जो टच था लोगों से वो ना के बराबर था, इनसिक्योरिटी फील उनके अंदर थी, यही वजह है कि डोर टू डोर जो कैंपेन उनका रहा वो भी बहुत बेहतर नहीं रहा क्योंकि योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा, इनका जो टच है लोगों से वो काफ़ी समय से है क्योंकि योगेश वर्मा खुद विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी मेयर रही है, खुद नज़दीकी जुड़ाव उनका लोगों से है, तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं जो है इस बात का भी रहा है कि परेशानी ना हो लोगों को, तो उनका सीधा कनेक्ट भी लोगों से रहा, ये भी एक बड़ी वजह रही है। क्योंकि और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मेरठ को टच करने की कोशिश की, स्थानीय मुद्दों को छूने की कोशिश की, उससे भी कहीं ना कहीं वोटर उनकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और अभी देखिए 4 जून का इंतजार करिए, कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। समाजवादी पार्टी की रैली पिट गई जी, बहुजन समाज पार्टी में भीड़ आ गई, लेकिन चुनाव जो अभी देख रहे हैं तो कुछ और नज़ारा कर। बिल्कुल उस्मान जी, आपने बिल्कुल एकदम सही सवाल किया है। हाँ। बिल्कुल जो देख रहे थे पीछे कुछ दिन पहले, हाँ, समाजवादी पार्टी की जब रैली हुई, अखिलेश जी जब मंच पर थे, 1000 से भी ज़्यादा मतलब लोग नहीं रहे होंगे, 1000-1200 लोग मैक्सिमम थे, जबकि मंच पे 3-3 समाजवादी पार्टी के विधायक लड़ रहे थे आपस, हाँ, और मंच पे 3-3 पार्टी के विधायक, उनमें जो आपस में नूरा कुश्ती हो रही थी वो तो एक अलग बात है, ऐसा लग रहा था देखने के बाद। और जो अगले दिन जो बीजेपी का रिएक्शन था वो भी बड़ा मतलब बहुत उत्साहित थे कि भाई इनमें तो आपस में ही इतना मतभेद है, मनभेद है, फूट है, तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं अगले दिन फिर बीएसपी की जब सुप्रीमो मायावती ने रैली की तो वहाँ गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा थी, कंपेरेटिवली ज़्यादा गैदरिंग थी, तो चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब देखा कि मतलब मतदाता पहले ही प्लान कर चुका था, मन बना चुका था कि उन्हें करना क्या है, और उसमें कहीं वो भ्रमित होते नज़र नहीं आ रहे हैं, वो लग रहा है कि मतलब उन्होंने पहले तय कर लिया था और उसी ट्रैक पे वो गए हैं। यही वजह है कि इस बार हाथी अपनी चाल कहीं ना कहीं मतलब उसकी डगमगा गई है, कांटे की टक्कर रहने वाली। बिल्कुल, ये जो मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा था अब ये त्रिकोणीय तो नहीं रहा, आमने सामने, अब ये आमने सामने की लड़ाई है। अब इस आमने सामने की लड़ाई में कौन हैवी रहेगा ये तो अभी नहीं कह सकते, ऐसा लगता है। कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी, बड़ा मुकाबला। 2009 से लेकर 2019 तक बीजेपी के 3 बार सांसद रहे, राजेंद्रगढ़ का टिकट काटा गया और अरुण गोविल को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया, जिसको यहाँ के लोगों ने भी जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा आसान नहीं लगता। आपका मानना है कि कांटे की टक्कर रहने वाली है? मुझे तो लगता नहीं कि अब टक्कर कुछ बची है क्योंकि पोलिंग हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि भीड़ से वोटर का आंकड़ा नहीं लगाया जाता। जो लोग ये सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी में भीड़ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में ज़्यादा है, या योगी जी ने रोड शो अच्छा किया है, अगर भीड़ से चुनाव जीता जाता तो 5 साल पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके होते, उनसे ज़्यादा किसी की रैली में भीड़ आज तक दिखाई नहीं दी। प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ दिखाई दी, पैदल यात्राएँ करी, पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा, वो वोटर में तब्दील नहीं होता है। तो यहाँ पर एक सोची समझी रणनीति, पहली बार मुझे अखिलेश यादव का ये पॉइंट अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा, सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए एक ऐसा प्रत्याशी उतार दिया कि वो अपने वोटर के साथ साथ जो वोट बैंक समाजवादी का था उसको भी लेकर आ गया है अपने साथ। तो आपने देखा कि ये सभी मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे दिन इन्होंने क्या क्या देखा, हमने इनसे बातचीत की और
इस बातचीत में खास बात ये रही कि मेरठ में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है, और जो हम पत्रकारों की जितनी भी अभी तक इन्होंने ये देखा इन्होंने बताया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो एक वर्चस्व यहाँ हुआ करता था और वही बीजेपी को टक्कर देती भी लगती थी। हमने आपको बार बार बताया कि यहाँ मेरठ में 3 बार से बीजेपी जीत रही है, और उससे पहले बीएसपी यहाँ अपना सांसद भी दे चुकी है। समाजवादी पार्टी अभी तक एक भी बार लोकसभा का चुनाव मेरठ से नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार पत्रकारों का कहना है, मेरठ के पत्रकारों का कहना है कि कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी और बीजेपी को कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इसको एक तरफा चुनाव अभी तक जीतती थी, लेकिन इस बार जो कांटे की टक्कर होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक परेशानी बनने वाली है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।